तो अभी भैया से हमने नींबू पानी मंगा लिया है और नींबू पानी पीते हुए चलते रहो। लाओ भाई लाओ, तो हमारे साथ की दो गाड़ियां तो चले गई हैं और हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अभी हम निकालते हैं और चलते हैं। और भाई यहाँ का जो व्यू है ना, यहाँ से एकदम मस्त व्यू आ रहा है। तो जिस होटल में हम रात में रुके थे वो होटल हमने बुक किया था 300 रुपये में, और 300 रुपये में एक रूम भाई, और होटल भी बढ़िया था और रूम भी बढ़िया था। तो अगर आप केदारनाथ आते हो तो अगर आपको रुकना है तो 30-40 किलोमीटर पहले रुक जाओ, आपका होटल का खर्चा बच जाएगा और काफ़ी अच्छा बचेगा। मतलब 300 रुपये का एक रूम हुआ है और रूम भी अच्छा था। और भाई यहाँ का अगर आप व्यू देखोगे पीछे का, तो होटल के पीछे का व्यू कुछ ऐसा है भाई। तो हम निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने केदारनाथ यात्रा। दोस्तों फाइनली मैकेनिक की दुकान मिल गई है। ये गाड़ी यार कल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसकी 3 बार चैन उतरी है, 3 बार। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा। सामने देखो वाटरफॉल भी निकल रहा है। ऊपर देख क्या जरा पानी आ कहाँ से। हेलीकॉप्टर मंगा दो मेरे लिए, तब भी नहीं दिखेगा वो। नहीं मैं देख आऊँ, खोज लूँगा आ कहाँ से रहा। तो फिलहाल अभी गाड़ी वगैरह सब ठीक हो गई है, ये भी निकलने को रेडी है और हम भी निकलने को रेडी हैं। तो भाई जब हम केदारनाथ बाबा की या फिर बद्रीनाथ बाबा की यात्रा करते हैं तो जगह जगह ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। हम तो फिलहाल जो हमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल अच्छा लगता है वहाँ पर रुकते हैं, तभी हम लोग यहाँ पर रुके और ये लोग सब रुके हुए हैं आवाज़ देने। भाई ये देखो कितना गजब से ऊपर से आ रहा भाई, ब्यूटीफुल कितना लग रहा है देखने में। हाँ भी गए देखो, फोटो क्लिक करवा रहा हूँ वहाँ पर खड़े हुए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आगे की यात्रा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोमप्रयाग, और जो भी दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन होता है वो सोमप्रयाग में रुक जाता है, और यहां से जाती है 4-व्हीलर जो कि हमें छोड़ेंगी गौरी कुंड तक। तो अभी हमारे सारे दो पहिया वाहन जो हैं वो सब यहां पे पार्किंग में लग रहे हैं। तो ये जो है ये पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते तो आपको बस यहीं तक आने दिया जाएगा, इससे आगे आपको दूसरी गाड़ी कैब वगैरह बुक करके जाना पड़ेगा गौरी कुंड तक। और गौरी कुंड यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे पार्किंग शुल्क का अमाउंट दे रखा है, दो पहिया वाहन 50 रुपये, कार और जीप 100 रुपये और बस ट्रक का 150 रुपये, कुछ ऐसा है यहाँ का पार्किंग शुल्क। तो अभी जैसे सारे लोग हमारे साथ के आते हैं फिर हम गाड़ी को कर लेते हैं पार्क और उसके बाद चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आगे की यात्रा। तो अब सब निकल चुके हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, और अभी हमें आगे से एक गाड़ी लेनी पड़ेगी जो कि जाएगी गौरी कुंड तक, और वहाँ से हमारी यात्रा हो जाएगी शुरू। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जैसे हमने बद्रीनाथ में करवाया था। तो यहाँ पे आप काउंटर से भी करा सकते हैं और ये ऊपर स्कैन करके भी करा सकते हैं, मतलब खुद कर सकते हैं स्कैन करके, ऑनलाइन हो जाएगा। तो चचा स्कैन करके कर रहे हो, ऑनलाइन जल्दी हो जाएगा और लाइन में लग के थोड़ा टाइम लगना है। तो फिलहाल अभी फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आपको दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं पूरी गाइडेंस देने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा की, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचे सबसे पहले। 85 88 जी किच्छा उत्तराखंड। तो फिलहाल मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करा लिया है, और क्योंकि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो और मेरा नेट नहीं चल रहा, तो मैंने ऑफलाइन करा लिया। और ऑफलाइन में ये फायदा है कि आपको ये बैंड मिल जाता है, तो आपको बार बार फ़ोन खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं जब भी आप केदारनाथ आएँ। तो अब आगे की जर्नी करते हैं स्टार्ट, यहीं कहीं से कैब बुक होगी, कैब बुक करते हैं और चलते हैं गौरी कुंड। जय भोले की। तो गाइज़ अभी यात्रा करते समय हमें एक एक्सपेंसिव सी चीज़ दिखी है जो कि बहुत लोग
देखना चाहते हैं और बहुत लोगों को देखने को नहीं मिलती है। मेरे सामने दो दो नदियों का संगम हो रहा है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। उधर से जो नदी आ रही है वो भागीरथी नदी है और इधर से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है। इसका संगम हुआ है और ये नदी यहाँ पे एक हो गई है। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं और यहाँ पे आज बोले बैठ गए हैं। हर हर महादेव। हाँ वहाँ बैठो 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 भाई। तो अब यहाँ से आरंभ होती है हमारी पद यात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर दूर है और यहाँ पैदल मार्ग यानी कि फुट ट्रैक है। भाई यहाँ से डंडा खरीद ले रहे हैं। कितने का ये? 50 का एक है। तो वही यहाँ से डंडा लेना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि चढ़ाई ऊपर बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। तो अभी डंडा यहाँ से परचेज कर लेते हैं 50 रुपए का और ये रिटर्न हो जाएगा, 30 रुपए में रिटर्न भी हो जाएगा। तो वापस आएंगे 30 रुपए रिटर्न कर देंगे। तो मतलब ये डंडा में 20 रुपए पड़ेगा तो ले लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़नी पड़नी है। तो भाई यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो शुरू होती है। फटाफट से आगे चलते हैं और अपनी टीम के साथ यात्रा का एंजॉय लेते हैं। वीर बजरंगे हर हर महादेव। वीर बजरंगे हर हर महादेव। बले की बम, बले की बम, बले की बम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोले बोले की बड़े बड़े पीछे रह रहे तुम लोग। तो गाइज आप यहाँ पे केदारनाथ आके हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, घोड़ा भी बुक कर सकते हैं और पालकी बुक कर सकते हैं। हमने ना घोड़ा बुक किया है, ना पालकी बुक की है और ना ही हेलीकॉप्टर बुक किया है। हम निकले हैं पद यात्रा पे और भोले बाबा के दर्शन पद यात्रा से ही करेंगे। हम टोटली 22 लोग हैं, सब आगे जा रहे हैं। तो भाई अभी हम जस्ट 200 मीटर्स चले हैं और 200 मीटर्स चलने के बाद ही थकान शुरू हो गई है। ऑब्वियसली जो यहाँ की चढ़ाई है 60 डिग्री के एंगल पे है, तो भाई समझ ही सकते हो अगर 60 डिग्री के एंगल पे चढ़ाई है तो कितनी ख़तरनाक चढ़ाई होने वाली है। जस्ट आप अगर थोड़ा सा ऊपर चढ़ोगे तो लगभग 300 मीटर गौरीकुंड से ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे घोड़े वगैरह मिल जाएंगे। सलाम वाला घोड़ा कौन सा जिसमें बांधा गया था वो? पता नहीं कौन सा है। अब इसमें 786 नंबर का घोड़ा यहीं कहीं होगा, देखो जरा। भाई साहब देखो कितने सारे घोड़े हैं यहाँ पे आप आके घोड़े बुक कर सकते हैं। तो भाई बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े का ये खच्चर है सब। घोड़े तो खड़े चाय कर पाएंगे, ये सब खच्चर है। और भाई यहाँ से आप घोड़े और पालकी दोनों ले सकते हैं। तो गजब गजब की गर्मी हो रही है और मैंने ये इनर पहन ली। मुझे नहीं पता था भाई इतनी गर्मी होगी वरना मैं नहीं पहनता। तो मैंने कपड़े जो ज़्यादा कपड़े उड़े थे तो मैंने गाड़ी में रख दिए और मैं केवल गर्म कपड़े लाया हूँ। चढ़ाई करते समय गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो अभी तो मैंने इनर पहन रखी थी वो उतार दी है और मैं अपनी जो हाथ की शक्ति वो लाना भूल गया। तो प्यास वगैरह बहुत ज़्यादा लगी तो आप ऐसे झरने में पानी पी सकते हैं। अरे घोड़े वाले भैया जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय बोले की हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव महादेव मान जाओ यहाँ पे महादेव। वो बैठे मान जाओ, थोड़े नीचे बैठ जाते। वो नीचे ही है, तुम्हें जाना पड़ेगा उनके पास, वो नीचे ही बैठे हैं। नींबू पानी मंगा लिया है और नींबू पानी पीते हुए चलते रहो। लाओ भाई लाओ, बहुत मजा ये भाई काफी ज्यादा एनर्जी देगा हमको। नींबू पानी पीते हुए चले काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है इससे। लो गिलास रख के आओ पिंटू भाई। एक रह गया है। Thank you.
देखो यहाँ पे लिखा भी है, यात्रा के दौरान पानी पीते रहें और भूखे पेट ना रहें, पैदल यात्रा के दौरान बीच बीच में विश्राम करते रहें। और विश्राम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी तो कुछ भी चढ़ाई नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा टफ चढ़ाई आने वाली है। हीरा खा लेते हैं, लेकिन कड़वा है ये तो, कड़वा है कड़वा। हाँ ग्राम वर्ट बहुत महंगा है, अभी हंस भी लिया करो। यहाँ पे बारिश स्टार्ट होने वाली है और मैंने अपनी इनर उतार दी थी, दोबारा पहन ली है। तो मैं कहाँ रह गया, इतनी लेट क्यों आए? अरे चला ही नहीं जा रहा है, भोले इतनी ऊपर क्यों बैठ गए समझ में नहीं आ रहा है, नीचे बैठ जाते थोड़ा, पैर तोड़ दिए भोले ने हमारे। भोले तरह की बोले रहे, परीक्षा परीक्षा ये बहुत बड़ी परीक्षा है। कहाँ से आप लोग? भाई दिल्ली से। दिल्ली से? अरे भाई भी दिल्ली से? हाँ सेम सेम दिल्ली से, हम दोनों दिल्ली से हैं। यहाँ टट्टे शॉर्ट हो गए किसके, इस बंदे के। भाई दिखाओ इसको यार। नहीं दिखा सकते भाई। तो मतलब अभी आप लोग दिल्ली से डायरेक्ट केदारनाथ आए या इससे पहले कहीं गए थे? नहीं डायरेक्ट केदारनाथ। तो हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम इसके बाद करेंगे वो सारा काम। अच्छा अच्छा। तो बाबा केदारनाथ अब यहाँ से रह गया है सिर्फ 10.5 किलोमीटर दूर। और भाई काफ़ी ज़्यादा टफ है यहाँ पे चढ़ना, ऑब्वियसली मैं और राजीव भाई काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं अपनी टीम से। राजीव भाई पीछे आ रहा है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया हूँ, तो अब थोड़ा फुर्ती से चढ़ना पड़ेगा। बोलो पता नहीं रुक भी रहे नहीं रुक रहे, और कम से कम मैं 1.5 किलोमीटर से नहीं रुका हूँ, लगातार चल रहा हूँ। तो अभी चलते हैं बम बम भोले का नाम लेके और यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। अभी यहाँ पे बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़, जिस वजह से कैमरा रखना पड़ा अंदर, और भाई जितने भी हमारे साथ के बंदे थे सभी ने रेनकोट पहन लिए हैं। चचा मजा आ रहा है, देखो चचा मेत्रा आ रहे हो भाई। और ये दो तोते उड़ चुके हैं रुद्रपुर से और पहुँचने वाले हैं केदारनाथ। दो तोते उड़ के हम लोग केदारनाथ जाएंगे। ये देखो भाई आ रहे बैगन बैगन बैगन, चलो चलो आगे चलो। ये हमारे वाटर प्रूफ है, हम चेक करा के दिखाएंगे, देखो। हाँ चेक करो चेक करो, आपका वाटर प्रूफ है? बिल्कुल है। चलो आप भी चलो। पर्वतों से पानी आ रहा है और चाचा यहाँ पे पी रहे हैं। ऑब्वियसली गाइज चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ है, सांसें फूल गई हैं यहाँ पे आके। ये तो स्टिंग पीपी के काम चला रहे हैं भाई, घोड़े फोड़े निकलते रहते हैं ऐसे ही। देखो हाँ भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। देखो घोड़े आते रहे, कंटिन्यू घोड़े आने, कंटिन्यू। अभी टाइम हो गया है 5:30 और हमें चलते चलते कम से कम 5.5 घंटे ही हो गए क्योंकि हम 12 बजे के निकले हुए हैं। और अभी यहाँ से जो केदारनाथ धाम है वो एक्चुअली रह गया है 4 किलोमीटर, मतलब अभी हमें 4 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। और दोस्तों इस यात्रा में भाई तभी आएँ जब आप ये चढ़ाई कर पाएँ, बाकी घोड़े वगैरह चॉपर वगैरह सब अवेलेबल रहता है, आप घोड़ा कहीं से भी कर सकते हो, चॉपर कहीं से भी कर सकते हो, पालकी कहीं से भी कर सकते हो बाकी, लेकिन बहुत टफ यात्रा है
हमें तो पैदल ही करनी है क्योंकि भाई पहली बार आए हैं बाबा के दरबार, तो पैदल ही करेंगे। और बाकी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जा रहा है। और भाई यहाँ पे कोहरा इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, और ठंड लग रही है काफ़ी। फ़िलहाल हमें ठंड इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि एक तो चढ़ाई करना है, चढ़ रहे हैं, और चढ़ रहे हैं तो वही गर्मी चढ़ी जाती है, और इस समय सांस भी फूल रही है क्योंकि लगभग 3000 फीट ऊँचाई पर आ गए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है अक्सर। तो भाई ये देखिए पूरे में कोहरा कोहरा हो रखा है। और ये हमारे साथ के भोले चल रहे हैं आगे, बम बम भोले, 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 बम बम भोले। और यहाँ पे बैठे बैठे हमें दर्शन होने लगे हैं सामने हिमालय के। वो देखो वो सामने हिमालय दिख रहा है। बस कुछ ही पल में हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे, बस कुछ ही पल। यार दोस्तों अभी बजने वाले हैं 7, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी पूरे में कोहरा कोहरा हो गया, बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया और प्रॉपरली लगभग अंधेरा हो ही गया है। और अभी यहाँ से जो केदारनाथ बाबा का धाम है वो लगभग 2.5 किलोमीटर और आगे रह गया है, तो अभी हमें 2.5 किलोमीटर की और चढ़ाई करनी है और फिर हमें दर्शन मिलेंगे केदारनाथ बाबा के। फिलहाल तो अभी हम आज दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम मॉर्निंग में उठ के दर्शन करेंगे, अभी हम जहाँ तक कैंप वगैरह एक ले लेंगे। तो चलते हैं और अभी कंटिन्यू करते हैं अपने केदारनाथ बाबा की यात्रा को। फिलहाल अभी हमारे यहाँ से जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से जो बाबा केदारनाथ का धाम है वो रह गया 1.5 किलोमीटर दूर, और रात हो चुकी थी जिस वजह से हमने यहाँ पे कैंप ले लिया। तो अगर आप केदारनाथ धाम आते हैं तो आप कैंप ले सकते हैं, हमने लिया है 100 रुपये पर बंदे के हिसाब से। तो हम लोग थे इतने सारे लोग तो हमें 500 रुपये मिल गया। चंदन भैया, अमित चाचा, हेलो गाइस, सचिन चाचा, हेलो गाइस, पिंटू चाचा और राजीव भाई। सुन तो लो। हाँ सुनाओ। वैसे तो एक बंदे को और बुला लो, वो भी तो है। तो फिलहाल भाई हमें 500 रुपये में बहुत बढ़िया कैंप मिल गया, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें हम लोग 7 लोग रुके हुए हैं। तो कैंप की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो अभी तो वो लोकेशन दिखा नहीं पाऊंगा, मॉर्निंग में उसे दिखाऊंगा। तो फिलहाल कल दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल इसके सब ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो ब्लॉग हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।